हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मनी व्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि लोन के मामले में सबसे टॉप लेवल की एप्लीकेशन है, जो 5,000 से लेके 5 लाख तक आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो भी बिना इनकम प्रूफ का। इनकम प्रूफ भी लगता है, इनकेस अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, जैसे 2.5 लाख 3 लाख, तो आपको इनकम वेरीफाई करना पड़ेगा स्टेटमेंट के हिसाब से। आपका अगर इनकम है, इनकम अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरी है, तब भी आपको मिल जाएगा। और अप्लाई करना बेहद आसान है, यहाँ पे सिर्फ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन करना होता है। और फर्स्ट चैप्टर आपका खुलेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एजुकेशन में आपको ग्रेजुएट ही लिखना है हमेशा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना है। यही एक ट्रिक है विदाउट इनकम प्रूफ का इस एप्लीकेशन में। और अगर आप फर्स्ट टाइम लोन लेना चाहते हैं, पहले कभी भी लोन नहीं लिया है, तो सबसे पहले आपको इसी एप्लीकेशन में डालना है, जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वैसे ही करना है, ग्रेजुएट लिखना है। और यहाँ पे सैलरी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे 38,500 सैलरी लिखा है। और यहाँ पे ऑनलाइन ध्यान से करना है, इतना हिसाब से 35 प्लस ही सैलरी लिखना है आपको, और सैलरी लिखना है। और यहाँ पे आपको डालना है पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपका एरिया का पिन कोड और जेंडर में जो भी है वो डाल देना है। सिंपल सा गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑफर जो भी होगा वो शो हो जाएगा, भले आपका 5,000 भी हो तो भी शो हो जाएगा, ज़्यादा हो तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका सिविल रहता है तो वहाँ पे पैन कार्ड नहीं लिखना पड़ता, ऑटोमेटिक पैन कार्ड आ जाता है, उस पे ही आपको कंटिन्यू करना है। अगर सिविल नहीं है तो आपको पैन कार्ड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए 2,15,000 अप्रूवल है, मिनिमम 5,000 ले सकते हैं, मैक्सिमम 2,15,000। ये जो भी है प्रोसेसिंग फीस है 11,924, 12,000 के समथिंग, 14,872, 18 महीने का ईएमआई है। के हिसाब से अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन और आधार KYC, ऑटो डेबिट, और उसके बाद एग्रीमेंट आता है उसको साइन करना पड़ता है। ये चारों चीज़ें होना चाहिए, आधार कार्ड में नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, अभी तो आधार कार्ड से भी मैच हो जा रहा है। उसके बाद आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल भरना है, जैसे कि आप मैरिड एंड मैरिड हो, आपका फादर का नाम जो पैन कार्ड में लिखा हो वही लिखना है, मदर का नाम जो आपका है वो लिखना है। तो ये सारी चीज़ें पैन कार्ड के हिसाब से ही डालना है, ऐसे आधार कार्ड में जो है स्पेलिंग मिस्टेक रहता है उसके हिसाब से नहीं डालना है, पैन कार्ड पे जो है वो डालना है। और यहाँ पे हमेशा आपको ऑन हाउस लिखना है, ना कि रेंटेड लिखना है। और यहाँ पे इंग्लिश, और यहाँ पे पर्पज आप मैरिज या फिर ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपने सैलरी डाला हुआ है तो सैलरी के हिसाब से आपको कंपनी भी डालना पड़ेगा, भले आपका अमाउंट आता हो नहीं आता हो, कंपनी का डिटेल डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका आधार का KYC, जो नंबर पे OTP जाएगा जो हमने फर्स्ट में बताया था। तो अभी आपने देखा कि बेसिक KYC हमने कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी आपको करना है यहाँ पे आधार का KYC, जो कि नंबर लिंक होना चाहिए, कंपलसरी है। और यहाँ पे OTP के थ्रू इसको भी आपको सबमिट कर देना है, इससे क्या होगा कि आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आपका थर्ड स्टेप आता है, यहाँ पे एक बार आपका आधार कार्ड दिखेगा वो कंफर्म कर देना है कि हमारा यही है। और तीसरा स्टेप आएगा, आपका आधार कार्ड में ही सेल्फी आता है, क्योंकि दूसरा स्टेप ही चल रहा है, आधार कार्ड में एक सेल्फी लेना है, तब जाके सेल्फी आपका KYC जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल डालना है, जो कि आप UPI के थ्रू भी अपना अकाउंट डिटेल डाल सकते हो, या फिर इंटर बैंक डिटेल्स मैनुअली भी डाल सकते हो, जिसमें आपका बैंक डिटेल और आपका FC कोड और आपका जो भी बैंक में नाम है वो तीनों चीज़ें डिटेल डाल देना है। लेकिन हमने अपना डिटेल जो है UPI के थ्रू डाला था, जैसे गूगल पे फ़ोनपे, उसमें से 1 रुपया आपका कट होता है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इससे आपका अकाउंट वेरीफिकेशन भी हो जाता है और आपका कंप्लीट भी हो जाता है जो बैंक डिटेल डालना है। उसके बाद देखिए हमारा सेकेंड स्टेप भी जो है कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। और उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा ईनेच आता है, जैसे कि आप ऑटो डेबिट इनेबल करेंगे जिससे आपका ऑटोमेटिक EMI कटेगा। और यहाँ पे क्रेडिट स्कोर हमारा 0 है, तो इसमें कोई सिविल नहीं है, फर्स्ट टाइम ही है। और यहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन धीरे धीरे करके आता है, थोड़ा सा वेट करना है, रिफ्रेश करते रहना है। अब यहाँ पे आपको करना है इनेबल ऑटो डेबिट, जो कि हमने ये कंप्लीट कर चुका हूँ, इसमें आपका डेबिट कार्ड से हो जाएगा, अभी नया नया आधार कार्ड से भी चालू हो गया कुछ बैंकों का। और देखिए हमारा चौथा स्टेप आ गया, लास्ट वाला जो एग्रीमेंट होता है वो, ये भी हमारा आ गया, ये भी आपको थोड़ी देर में रिफ्रेश करके देखेंगे तो आ जाएगा। इसको आपको रिव्यू नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पूरा एक तरह से PDF भी दिखेगा और आपके मेल पे भी आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करके अपना एड्रेस डालना है और यहाँ पे 2 रेफरेंस नंबर डालना है लास्ट में। उसके बाद भी आपको एक बार रिव्यू लोन डिटेल दिखेगा, कितने लोन है, कितने का क्या है, पूरी डिटेल। इंश्योरेंस आप हटा भी सकते हो, ICIC का है और रख भी सकते हो, तो हम लोग तो हटा देते हैं, तो इसको हम हटा दिए हैं, इससे आपका पैसा थोड़ा कम कटेगा, जो इंश्योरेंस का पैसा है वो नहीं कटता है। और बाकी इस एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी KYC पहले नहीं करना है। और ये देखिए हमारा पैसा जो है बाई टुमारो लिखता है तो कल आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा, 2-4 घंटे में आ जाएगा, और टुडे लिखता है तो इंस्टेंट भी चला आता है, या फिर 2 घंटा 1 घंटा लगता है, मैक्सिमम इंस्टेंट आता है। और यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो, बहुत सारा डिटेल जो आपको पूरी तरह से दिख जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ।
और चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी।